एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कभी भी हम सर्फिंग करते हैं बीच में ही आकर टपक जाती है और आपको iPhone 10 दे देती है सिर्फ $1 में। 65 रुपये में ये वेबसाइट आपको iPhone 10 दे रही है, जो आईफोन का बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है और जिसकी कीमत अलग अलग है, 80,000, 75,000, 99,000 तक भी एक उसका एक मॉडल है। तो ये जो फेक वेबसाइट है इससे आप बचे रहें। और चलिए देखते हैं ये वेबसाइट पर जो है वो क्या मिल रहा है। यूसी ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं अपनी हिस्ट्री में जाकर वो वेबसाइट खोल लेता हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि मैं एक वीडियो डाउनलोड कर रहा था, उसी के बीच में ये प्रकट हो गई वेबसाइट अचानक से। तो ये देखिए वेबसाइट खुल गई है, यहाँ नहीं एक बार फिर से ये दूसरी, हाँ यहाँ पर ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन जो लिख रखा है यहाँ पर, ये वेबसाइट खुली, ये चक्री घूमी और ये रुकेगी किस पर, iPhone X पर, और ये मैं जीत गया iPhone X। iPhone X या iPhone 10 जो भी है एक ही बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर प्राइस जो है वो कितनी है, 74,000, और मुझे ये कितने में मिल रहा है, सिर्फ $1 में। तो 65 रुपये में मुझे iPhone X मिल रहा है, तो मैं ख़रीद लेता हूँ यही सोच कर। शायद अगर आप भी ख़रीदने की गलती कर दे तो ये ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से ही फेक वेबसाइट है। और यहाँ पर आप जो भी अपनी डिटेल्स डालेंगे उसके ज़रिए वो आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे लेकर उठ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चमका चमका कर ये देखिए iPhone 10 के फ़ोटो दे रखे हैं, दो कलर यहाँ पर है। तो करना है ये कि पहले आपको दोनों में से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। और ये नहीं देखिए यहाँ पर फेक फेक कमेंट भी किए हुए हैं लोगों ने, मुझे मिला था, मुझे कल मिला, मुझे परसों मिलेगा, मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, ये क्या मुझे लैपटॉप चाहिए आईफोन नहीं, कैसे कैसे कमेंट कर रखे, बिल्कुल फेक वेबसाइट है और फेक कमेंट भी है। तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए पूरी तैयारी कर कर बैठे हैं ये। और यहाँ पर 129 शेयर्स और लाइक देखिए 1,500 लाइक, सब कुछ फेक। बस ये खाली iPhone X के फ़ोटोज़ असली है, बाकी सब फेक है इसमें। और ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कुछ रामायण इन्होंने लिख रखी है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप भी जाकर देख सकते हैं। बस इसमें अपने बैंक की कोई भी डिटेल्स मत भरिएगा, आप अपना नाम वाम नाम या नंबर भी इसमें मत डालिएगा। तो देखिए अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पेज पर, वह देखिए बड़ा सा जो फ़ोटो दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर करना है फर्स्ट नेम, सरनेम, एड्रेस और जितनी जानकारी है, एक बार मैं भर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ मगन लाल ये एक मेरा नाम नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे ही भर रहा हूँ, देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। ये सब डिटेल्स भरने के बाद तो यहाँ सरनेम भर दिया, अब एड्रेस लिखना है। आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, चाहे आप 1 से 10 तक गिनती भी लिख दीजिए तो भी ये राइट टिक आ जाएगा, क्योंकि इसको कुछ लेना देना नहीं है आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, चाहे वो फेक है या ओरिजिनल। मेन इससे मतलब है सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नंबर से और आपके अकाउंट के बैंक अकाउंट या उसके पिन से। तो यहाँ सिटी भी डाल दिए और उसके बाद ईमेल। तो जल्दी से ईमेल भी डाल देते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई दोस्त है जो दिन भर बस यूसी ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पर डाउनलोडिंग करते रहते हैं तो उनको भी ये वेबसाइट ज़रूर दिखी होगी, और नहीं दिखी है तो हो सके तो उन सबको बता दीजिए, क्योंकि 60 रुपये देने के चक्कर में हो सकता है आप अपने बैंक के सारे रुपए इन फ्रॉड आदमियों के या फ्रॉड वेबसाइट को दे बैठे। तो ये आ चुका है प्रमोशन फ़ी, फ्री ट्रायल, सब कुछ। और जहाँ देखो वहीं $1 सिर्फ दिखाने के लिए, असलियत में ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं आपसे कुछ। तो जल्दी से यहाँ पर कार्ड नंबर भी इंटर कर देते हैं। तो जैसे आपने देखा पिछली वो डिटेल जो मैंने भरी वो सारी ही फेक थी,
और वो सब कोई भी आसानी से पकड़ सकता है। पिन कोड कहीं का, सिटी कौन सी, अलग सिटी, पिन कोड कहीं अलग का, लेकिन वो इसने नहीं पकड़ी वेबसाइट ने। अब ये पकड़ेगी सिर्फ ये नंबर, इसको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जिसको इस वेबसाइट को उस नंबर से ही मतलब है और किसी से कुछ लेना देना नहीं। और ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है, द क्रेडिट कार्ड इज़ नॉट वैलिड। तो भाई एड्रेस भी तो वैलिड नहीं था, पिन कोड शायद वैलिड हो, लेकिन दोनों लिंक तो नहीं कर रहे थे आपस में। तो जैसे आपने देख लिया, ये बिल्कुल ही फ्रॉड वेबसाइट है। और मैं कर क्या रहा था, एक्चुअली कोई मूवी शायद डाउनलोड कर रहा था मैं, और ये यूसी ब्राउज़र में ही मिली मुझे। यूसी ब्राउज़र पहले ही बदनाम है ऐसी चीज़ों के लिए। तो फ्रेंड्स, जान से इस्तेमाल कीजिए, और किसी भी ब्राउज़र में अपनी पर्सनल डिटेल्स और बैंक का कोई भी पासवर्ड या पिन इंटर मत कीजिए। हो सकता है वो वेबसाइट उसे सेव करके बाद में आपके खिलाफ यूज़ करे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बने रहिए हमारे साथ। शायद आपके लिए अगली वीडियो और भी काम